अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान चंजन, शहर इकदार इस्लामाबाद से। इस वक्त मैं F9 पार्क में मौजूद हूं और जिस रोड के ऊपर मैं इस वक्त चल रहा हूं, इट्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक, रिसाइकल्ड प्लास्टिक। ये एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया था F9 पार्क में रिसेंटली, कुछ दिन पहले, जिसमें रिसाइकल्ड प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती हैं उसका प्लास्टिक यूज़ करते हुए ये मेटल रोड बनाया गया था। वैसे जो नॉर्मल रेगुलर रोड्स होती हैं वो एस्फाल्ट कंक्रीट से बनाई जाती हैं, जिसको तारकोल भी कहते हैं और उसका मिक्सचर होता है। लेकिन अभी जो इन्वायरमेंट और जो दूसरी चीज़ें हैं उसको देखते हुए, जो रिसाइकल जो चीज़ें नहीं हो सकती लाइक प्लास्टिक, क्योंकि पाकिस्तान में एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 55 अरब प्लास्टिक बैग्स जो है ना वो सालाना तैयार बनाए जाते हैं, जो कि तकरीबन देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन का एक शॉपिंग बैग है, जो रोज़ाना पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, वो एक शॉपर शॉपिंग बैग वो डेली बेसिस के ऊपर यूज़ करता है। डेफिनेटली जब वो यूज़ होता है तो उसको रिसाइकल भी नहीं किया जाता, तो वो एक पॉल्यूशन क्रिएट करता है जो कि इन्वायरमेंट के लिए शदीद ख़तरा है। तो उस चीज़ को देखते हुए CDA ने और कोका कोला और टीम्स अप, जो कि एक टेक्नोलॉजी हब की एक ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी कह सकते हैं, उन्होंने मिलके ये इनिशिएटिव लिया कि जो प्लास्टिक होता है उसको रिसाइकल करके उसको दोबारा से रीयूज़ किया जाए या उसको इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक नया इनिशिएटिव है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन ये USA, द फिलिपीन, वियतनाम, साउथ अफ्रीका और इंडिया में इसकी 60,000 किलोमीटर्स जो है ना रोड्स बनाई जा चुकी हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो अतातुर्क एवेन्यू है वहाँ पे 1 किलोमीटर का जो एक रेगुलर, जिसको आप कह सकते हैं, तो पार्क में खैर पायलट प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन अभी 2 से 3 दिन पहले जो वहाँ पे इनाग्रेशन हुई है वो 1 किलोमीटर रोड की हुई है, जो कि प्रॉपर वो इस वक्त वर्किंग में है और उसके ऊपर रोड्स जो है ना वो ट्रैफिक वगैरह भी खोल दिया गया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात करते हैं कि प्लास्टिक की ये जो, क्या ये कॉस्ट एफिशिएंट होगी कंपेयर विद द रेगुलर रोड स्ट्रक्चर? तो इसको अभी ये कुछ कहना जो है ना वो सही नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली जब आप इनिशियली किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं या इनिशियली आप कुछ तजुर्बात कर रहे होते हैं जो एक तो फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, तो उसके लिए यू हैव टू बेयर सम कॉस्ट। तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा कॉस्ट में, क्योंकि वो जो अभी 1 किलोमीटर का, वो भी रीकारपेंटिंग की गई है। रीकारपेंटिंग ये होती है कि रोड को जो ऑलरेडी रेगुलर कंक्रीट होता है या एस्फाल्ट कंक्रीट कह सकते हैं, जो रेगुलर बेसिस के ऊपर पाकिस्तान में यूज़ हो रहा था, वो वहाँ से रिमूव किया गया है। रिमूव करने के बाद उसकी जो एक लेयर होती है, उस लेयर को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। तो उस रिकन्स्ट्रक्शन में जो कॉस्ट आई है वो है अराउंड 21 मिलियन रुपीज़, 2 करोड़ 10 लाख रुपए उसकी जो टोटल कॉस्ट आई है, जो कि दूसरी रेगुलर रोड स्ट्रक्चर के मुकाबले में स्लाइटली हाई है। तो खैर, एनीवेज, इन्वायरमेंट फ्रेंडली जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू बेयर सम कॉस्ट, तो उसके लिए वो कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है विद सम अदर एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पे आने का जो मकसद था वो ये आपको बताना था कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट किया गया था प्लास्टिक रोड का, ये इंतहाई कामयाबी के साथ इस वक्त चल रहा है और इस्लामाबाद में इसका जो फर्स्ट रोड है वो 1 किलोमीटर का वो कंप्लीट हो चुका है और उसके ऊपर ट्रैफिक भी रवानदवा है। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक प्रोजेक्ट कह सकते हैं इसको, और इसी तरह के और भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ये ज़्यादा रखती है कि वो पाकिस्तान के बाकी शहरों तक भी इसको वसत दे या उसको मज़ीद इंक्रीज़ करे। तो बने रहिए, देखते रहिए मेरा YouTube चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।